आज हम बात करने जा रहे हैं देश के प्रसिद्ध ब्रांड और देश की सबसे बड़ी दूध उत्पाद सहकारी डेयरी कंपनी अमूल के बारे में। सुबह की चाय के लिए दूध की जरूरत हो या फिर नाश्ते में ब्रेड पर लगने वाला बटर चाहिए हो, इसके लिए एक ही नाम जहन में सबसे पहले आता है और वो है अमूल। आपने अक्सर टीवी या सोशल मीडिया पर यह लाइन तो जरूर सुनी या पढ़ी होगी। अमूल अपनी बेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी से देश में नंबर वन डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी बन गई है। इसकी रोजाना की आमदनी 90 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे गुजरात के एक छोटे से गांव में शुरू हुई एक डेयरी देश का सबसे बड़ा ब्रांड बन गई। जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक और पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो एक चीज आपको सभी घरों के किचन में मिल जाएगी वो है अमूल मक्खन। अमूल मक्खन बनाने वाली अमूल डेयरी के बनने की कहानी भी प्रेरणा से भरी है। इस डेयरी की शुरुआत एक छोटे से गांव में हुई। आजादी से पहले किसानों के शोषण को देखते हुए अमूल कंपनी की स्थापना की गई। इसे दूसरे ब्रांड से कड़ी टक्कर भी मिली, लेकिन आज भी देश के लगभग हर घर में अमूल के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। दूध और दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों के मामलों में लगभग पूरे देश में अमूल का आधिपत्य है। आज बाजार में अमूल का दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सहित अन्य चीजें बाजार में उपलब्ध है। अमूल एक सहकारी दुग्ध उत्पादक कंपनी है। अमूल का पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1946 में स्वतंत्रता सेनानी त्रिभुवन दास पटेल के सहयोग द्वारा की गई। दरअसल 1940 के दशक में गुजरात में व्यापारियों द्वारा दूध उत्पादक किसानों का खूब शोषण किया जाता था। उस वक्त मुख्य डेयरी पॉल्सन के एजेंट्स द्वारा किसानों से कम दामों में दूध खरीदकर महंगे दामों में बेचा जा रहा था। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए किसानों ने वहां के स्थानीय नेता त्रिभुवन दास पटेल से संपर्क किया। उन्होंने अपने लोगों के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात की और सरदार पटेल ने समाधान करने के लिए मोरारजी देसाई को गुजरात भेजा। उन्होंने हालात का जायजा लिया और इसके बाद देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और किसानों की दशा सुधारने के लिए कई प्रयास किए जाने लगे। देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर करने के साथ ही किसानों की दशा सुधारने के लिए वर्गीस कुरियन ने इसकी शुरुआत की। कुरियन को भारत का मिल्क मैन भी कहा जाता है। एक समय जब भारत में दूध की कमी हो गई थी, कुरियन के नेतृत्व में भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम शुरू हुआ। उन्होंने त्रिभुवन भाई पटेल के साथ मिलकर खेड़ा जिला सहकारी समिति शुरू की। 14 दिसंबर 1946 में त्रिभुवन दास पटेल के प्रयासों द्वारा अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर आनंद शहर में खेड़ा जिला सहकारी समिति की स्थापना की गई और सहकारी सोसाइटी के तौर पर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। साल 1949 में उन्होंने गुजरात में दो गांवों को सदस्य बनाकर डेयरी सहकारिता संघ की स्थापना की। भैंस के दूध से पाउडर का निर्माण करने वाले कुरियन दुनिया के पहले व्यक्ति थे। इससे पहले गाय के दूध से पाउडर का निर्माण किया जाता था। वर्गीस कुरियन सहकारिता संघ को कोई आसान नाम देना चाहते थे जो आसानी से जुबान पर आ जाए। कुछ कर्मचारियों ने इसका नाम संस्कृत शब्द अमूल्य सुझाया, जिसका मतलब अनमोल होता है, जो बाद में अमूल के नाम पर रखा गया। शुरुआत में कंपनी की क्षमता 250 लीटर प्रतिदिन की थी। इस समय अमूल कंपनी के कुल 7.64 लाख मेंबर्स हैं। कंपनी रोजाना 33 लाख लीटर दूध का कलेक्शन करती है। कंपनी की रोजाना 50 लाख लीटर की हैंडलिंग क्षमता है। कंपनी का पूरी दुनिया के दूध उत्पादन में 1.2% हिस्सा है। अमूल की सफलता पर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अमूल मॉडल को दूसरी जगहों पर फैलाने के लिए राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड का गठन किया और उन्हें बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। एनडीडीबी ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। कुरियन ने 1965 से 1998 तक 33 साल एनडीडीबी के अध्यक्ष के तौर पर सेवाएं दी। 1973 से 2006 तक गुजरात को ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के प्रमुख और 1979 से 2006 तक इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट के अध्यक्ष रहे। अमूल बटर की शुरुआत साल 1956 में हुई थी, लेकिन देश के कई अन्य ब्रांड भी अमूल को टक्कर दे रहे थे। अमूल को पॉल्सन गर्ल नाम की एक कंपनी से कड़ी टक्कर मिल रही थी। अमूल ने बटर को प्रमोट करने के लिए नया तरीका निकाला और विज्ञापन बनाने वाली एक एजेंसी एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन को अमूल का एक मस्टर्ड तैयार करने को कहा।
इसको बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखा गया कि ये विज्ञापन महिलाओं को पसंद आए। बस फिर क्या था, कंपनी ने इस नए विज्ञापन के लिए एक लड़की को चुना और देखते ही देखते अमूल गर्ल लोगों को पसंद आने लगी, जिसे सीधे तौर पर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमूल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। अमूल का यूटरली बटरली कैंपेन सबसे ज्यादा चलने वाला विज्ञापन था और इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था, क्योंकि कंपनी का ऐसा मानना है कि वह एक बहुत सीधी आसान एक नई सोच के साथ और अपने ग्राहकों को एक सा उत्पाद प्रदान करने वाली कंपनी है। अमूल के विज्ञापन में कभी भी किसी बड़े एक्टर को शामिल नहीं किया गया है। अमूल की सफलता उसकी सोच और उसकी मार्केटिंग पर रही, जिसमें उसने ऐसे उत्पाद बनाए जहां देश के लोगों को एहसास था कि अगर हम अपने घरों में भी दूध मक्खन का उत्पादन करेंगे तो हमको इससे सस्ता नहीं पड़ने वाला। लोगों को उन पर एक विश्वास था कि अगर ये हमारे जैसे किसानों के घरों से ही निकलकर बाजार में उपलब्ध हो रहा है तो ये गलत चीज नहीं हो सकती। अमूल का बटर देश में मार्केट लीडर है, उसके पास कुल 85% मार्केट शेयर है। वहीं पाउच मिल्क के मामले में मार्केट शेयर 25% है। इसके अलावा पनीर सेगमेंट में अमूल का मार्केट शेयर 80% है। वहीं आइसक्रीम सेगमेंट में अमूल के पास 40% मार्केट शेयर है। अमूल का सालाना टर्नओवर यानी आमदनी साल 2019 में 38,542 करोड़ रुपए थी, वहीं 2020 में ये बढ़कर 39,248 करोड़ रुपए हो गई। साल 2021 में ये 61,000 करोड़ पर पहुंच गई। अब साल 2022 की बात करें तो कमाई 610 बिलियन इंडियन रुपीस है। अमूल एक सहकारी संस्था के तौर पर काम करता है, इसीलिए मुनाफे को लेकर ज्यादा काम नहीं किया जाता। साल 2021 में अमूल का मुनाफा 61 करोड़ रुपए था, जो कि साल 2022 में बढ़कर 78 करोड़ रुपए हो गया है। अमूल अपनी कमाई का 80% किसानों को देता है। अमूल भी धीरे धीरे गैर डेयरी उत्पादों की ओर बढ़ रहा है। अमूल 35 लाख किसानों से 2.5 करोड़ लीटर दूध रोजाना लेता है। अमूल करीब 15 लाख लोगों को रोजगार देता है। कोरोना संकट में जहां एक तरफ कई कंपनियों का कारोबार ठप पड़ गया था, जबकि दूसरी तरफ अमूल ने आपदा में अवसर ढूंढते हुए साल 2021 की पहली तिमाही में 33 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। इस तरह कभी 247 लीटर दूध से शुरू हुआ अमूल का बिजनेस रोजाना 2.3 करोड़ लीटर तक पहुंच चुका है। अमूल सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि भारत की शान है। एक ऐसी कंपनी जो भारत के लोगों के दिलों में बसती है। दिन में कई बार हम अमूल के प्रोडक्ट को उपयोग करते हैं और मुश्किल ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन आप अमूल के प्रोडक्ट न उपयोग कर पाए हो। तो दोस्तों, देश की सबसे बड़ी दूध कंपनी अमूल की सक्सेस स्टोरी आपको कैसे लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूले। ऐसे ही और भी फैक्ट वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसके लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। धन्यवाद।